थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव पलसों में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। किसान युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने गोवर्धन बरसाना मार्ग पर जाम लगाकर विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। घटना की सूचना पाकर गोवर्धन थाना पुलिस और तहसीलदार पवन प्रकाश मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हम आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह लगभग 9 बजे गिरधारी पुत्र पूरन लाल उम्र लगभग 30 वर्ष अपने प्लॉट में टीन शेड हटाकर भूसा भर रहा था, तभी टीन शेड के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टीन शेड में करंट आ गया और गिरधारी करंट की चपेट में आकर बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों के शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और पीड़ित को उपचार के लिए मथुरा के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रखकर पलसों में गोवर्धन बरसाना मार्ग पर जाम लगा दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर तहसीलदार पवन पाठक और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाने पर अड़े रहे। वहीं पुलिस और अधिकारियों के समझाने के बाद जाम खुलवाया जा सका और मार्ग को सुचारू रूप से चालू कराया गया। सर बताइए, पलसों में जाम लगने का कुछ मामला था, क्या कुछ मामला था सर? पलसों में ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल है, उसके 11000 वोल्टेज वाले तार हैं, उससे करंट लगने से उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस पर आक्रोशित लोगों ने वहाँ जाम लगा दिया और मैं और जो है ऐसे जो थानाध्यक्ष गोवर्धन जेई एसडीओ विद्युत इस मौके पर पहुंचे और वहाँ लोगों को समझा बुझा के जो है जाम को जो है खुलवा दिया गया। सर कारण क्या रहे वहाँ? मुख्य कारण ये था कि जो तार था 11000 वोल्टेज वाला वो काफ़ी नीचा था, जिसके कारण जो व्यक्ति जो भूसा चढ़ा रहा था गाड़ी पर वो कुछ करंट लग गया। और लोगों द्वारा बताया गया कि इस तरह की और भी घटनाएं पूर्व में यहाँ होती रही हैं, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए जो एसडीओ विद्युत आपको बता दिया गया कि वो लोग अपने उन्होंने भी वादा किया कि इसको जो विद्युत लाइन को कहीं अन्य जगह जो है इसको स्थापित कर देंगे और मौके पर जो लाइन थी वो काट दी गई। सर आपकी तरफ से क्या महासहयोग? ऐसा है कि ये बताया गया कि जो मृतक है वो किसान है, तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो जो 5 लाख रुपया है वो हमारे विभाग से जो शासन द्वारा उनको दी जाएगी, इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है, शीघ्र ही फाइल जो है भिजवा दी जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है सर। यही पलसों के रहने वाले जी? यार जो घटना हुई है जिसमें मौत हुई है बिजली से चिपककर लड़के, क्या मामला था? ये मामला तो ये था कि वो लड़का अपने घर पर काम कर रहा था, 11000 की लाइन ऊपर से जा रही थी और लाइन इतनी नीची है कि अगर हाथ अगर कोई ऊपर को कर दे तो हाथ छुप जाए। कई बार बिजली विभाग में शिकायत भी की है पर उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज लड़का अपने घर पर जैसे ही काम कर रहा था तो उसने देखा कि ऊपर को लाइन है, तो लाइन ऊपर को उठावो, तभी तभी उसका हाथ लाइन से टच हो गया और उनकी मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना आपने कहीं बिजली विभाग को, पुलिस अधिकारी कोई पहुंचा मौके? हाँ बिल्कुल, पुलिस विभाग को भी दी हमने और बिजली विभाग को भी सूचना दी। एडीएम साहब को भी फोन किया था पर मौके पर बिजली विभाग वाले वो तो पहुंचे नहीं कोई भी लोग, लेकिन तहसीलदार साहब और एसओ साहब हमारे पहुंचे थे। अभी सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है? हाँ बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और ले जा रहे हैं। क्या नाम था लड़के, उम्र कितनी रही हो? लड़के का नाम था गुड्डू और गिरधारी, पिताजी का नाम है पूरन लाल, उम्र होगी तकरीबन 30-31 साल। सर आज पलसों गांव में बिजली के करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसमें कुछ विभाग की कुछ कमियां बताई जा रही हैं, क्या कुछ मामला था सर? जैसा कि आपको बताना है कि हमारे जो है पलसों बिजली कट से जो है ग्रामीण का एक मीटर जो है जा रहा था सप्लाई, तो वहाँ पे लोगों ने जो है लाइन के नीचे मकान बना रखे हैं, उसमें किसी जैसा कि खज्ञान में आया कि किसी व्यक्ति ने भूसे की अपना जो गाय को चलाने वाला गाय को चलाने वाला भूसा होता है उस भूसे को इकट्ठा करने के लिए कुछ जो है कर रहा था, जिसे कोई तार क्या नाम लोहे का तख्ता या कोई किसी उससे तार को छिल जाने के कारण दुर्घटना घटित हुई है। और गाँव वालों का मानना है कि वहाँ पर तार थोड़े नीचे है, जिसके लिए जो संबंधित को एस्टिमेट बनाने के लिए जो है निर्देश दिए गए। सर आगे ऐसी घटनाएं ना हो आपकी तरफ से क्या कुछ? इसके लिए जो है जितने भी हमारे विद्युत विभाग के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको अवगत करा दिया गया है
कि आप अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसी लाइनें यहाँ पे थोड़ा सा तार जर्जर स्थिति में हो या तार नीचे स्थिति में हो उसका सर्वे करा लें और उसको अवगत करा, जिससे तत्कालिक रूप से ऐसी कार्रवाई किया जैसे भविष्य में ऐसी किस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं।